चलो 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 थाने जाओ, थाने जाओ, थाने पहुंचो। जॉब के बारे में आपसे जो बात कर रहे थे, जॉब किस चीज़ की और क्या है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सनल सिक्योरिटी की जॉब है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है ना, वो पर्सनल सिक्योरिटी का नहीं होगा, फिर ऑफिस इंचार्ज का होगा। पर्सनल सिक्योरिटी में रिलेशनशिप जस्ट मेरे साथ ही है। सही। तो और ज़ाहिर है ऑफिस अब ज्वाइन करोगी, सैलरी एडवांस मिल जाएगी। बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनकी वजह से मैं जॉब करना चाह रही हूँ। मेरी मम्मा ज़हीफ हो चुकी हैं। मेरी एक बेटी की उम्र 7 साल है और 3 साल का बेटा है। जॉब ना होने की वजह से फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई काफ़ी स्टॉप हो गई थी, फिर हस्बैंड भी नहीं थे साथ। तो अब काफ़ी अरसे बाद मैंने फिर बच्ची को स्कूल में वो किया है। वो काफ़ी नीडी हूँ जॉब की, वालिद का भी है, वालदा भी है मेरे ऊपर, और 2 बच्चों का भी साथ है। तो जी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। अच्छा वक्त तो अब आया तो हटा दो। तो आप शर्माती हो तुम। तो अब आया हटाना नहीं तो हटाओ। मतलब अबाया हटा के क्या करना है? अरे कहा तो था कि रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में समझी नहीं मुझे। तो जॉब की वो थी ना नीड के, मैंने जॉब के लिए आना है, तो सेटिस्फाई लिखा हुआ था। किस तरह का सेटिस्फाई और रिलेशनशिप? ये किसिंग टचिंग वगैरह, मतलब फर्स्ट टाइम बंदा इस तरह आए हो अपनी मजबूरी में काम के लिए, जॉब के लिए। मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या एक्स वाई ज़ेड। तो तुम नहीं हो उसके लिए प्रिपेयर? मतलब आपसे तो जॉब के लिए आई थी ना मैं, आपने कहा जॉब, मतलब किस तरह का थिंग वगैरह? नहीं, मुझे लगा शायद जॉब हो जाएगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना, काफ़ी मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं। जॉब तो जब जाहिर मैंने तुमसे लिखा था कि आज सेटिस्फाई करोगी तो कल से ज्वाइनिंग होगी।